काम करने वाले के हम परमानेंट कदरदान हैं। तो लीजिए आपका इनाम और विनय बाबू की रिपोर्ट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें दे दीजिए। ये लीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स, और आइंदा आपके मैं किसी काम आ सकूं तो याद करते रहिएगा। अच्छा मैं चलता हूँ टेम्पररली, फिर मुलाकात हो। गुड नाइट सर। बाय बाय। शादी लाल की चाल कामयाब हो गई। ये रहे चीफ इंजीनियर की रिपोर्ट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। और अब इन पेपर को खत्म करना होगा। और अब मेरा ये लाइटर इन पेपर्स को जलाकर राख कर देगा। तुम लोग इस सबूत को खत्म नहीं कर सकते। मैं इसे पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा और ये साबित कर दूंगा कि मैं निर्दोष हूं और मिस्टर विनय सक्सेना भी निर्दोष है। तुम लोगों ने धोखा देकर मुझसे कागजात पर दस्तखत करवाए थे। अगर तुमने यहां से कागजात ले जाने की कोशिश की तो हम तुम्हारी मौत के कागजात पर तुम्हारे ही दस्तखत करवा कर तुम्हारे हाथ में दे देंगे, और वो भी परमानेंटली। तो चल रहा था ना, अब मैं तुझे उछालता हूं परमानेंटली। लगता है टेम्पररी नहीं परमानेंटली बेहोश हो गए साले। तेजेंद्र, तुम उस लड़के को लेकर यहां आए थे, अब तुम ही उस लड़के के पास से डॉक्यूमेंट्स लेकर हमारे पास आओगे, समझे? और सुनो, ऐसा करने में भले तुम्हें उसकी जान क्यों ना लेनी पड़े। और परमानेंटली मेरी एक बात सुन ले, मेरे आदमी तेरा पीछा करेंगे, और अगर कागजात लाने में तू नाकामयाब रहा तो पहला कत्ल तेरा होगा और बाद में उस कुत्ते का। गेट आउट, गेट आउट। मैं किसी काम के लिए गया था। तेरे पास ऐसा क्या काम था जो तुझे रात भर घर से गायब रहना पड़ा? कहा ना भैया, काम था। पहले तो दिन भर आवारा गर्दी करता था, अब रात रात भर घर से गायब रहने लगा है। एक नक्कारा और बेकार आदमी के पास क्या काम हो सकता है? चोरी कर रहा था, डकैती डाल रहा था, बोल क्या कर रहा था? अब जाने भी दो। आज तुम बीच में मत बोलो, आज मैं फैसला करके ही रहूंगा। या तो इस घर में ये रहेगा या मैं। अरे अब तो मेरी नौकरी भी चली गई है,
तुझे कब तक और कहां तक बिठा कर खिलाता रहूंगा? दुनिया जहान की बातें सुनता रहूंगा? लोगों ने ताने मार मार कर मेरा कलेजा छल्ली कर दिया है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। पता तू रात भर कहां था? भैया लगता है जरूर किसी ने आपके कान भरे हैं, वो हम दोनों का प्यार बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अब तो लगने लगा आप भी कान के कच्चे हैं जो लोगों की बातों में आ जाते हैं। कहा ना रात को मैं काम पर था। लफंगे गुंडे रात भर क्या करते हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूं। पागल हो गए हो क्या? आज जवान भाई पे हाथ उठा रहे हो? बता दे शंकर, कहाँ था तू कल रात? नहीं भाभी, मेरी कुछ मजबूरियां हैं, मैं नहीं बता सकता मैं कहाँ था। इसका मतलब है तेरे भैया जो कह रहे हैं वो ठीक है? भाभी तू भी मुझे गलत समझ रही है। तो तुझे मेरे सर की कसम, बता कल रात भर तू कहाँ था? तूने कसम दे दी है, तेरी कसम मैं तोड़ नहीं सकता। जी, इतना बड़ा काम करता है और ये गुंडो जैसा हुलिया बना रखा है तुम्हें। मुझे माफ कर दे छोटे। क्या कह रहे हो भैया? हमने तुझे गलत समझा, सारी दुनिया ने तुझे गलत समझा। पता कितने दिनों से कर रहा है ये नौकरी? मैं कुछ 7 साल से इस डिपार्टमेंट में हूँ, और जो भी तनख्वाह मिलती है ना अपनी पूजा की शादी के लिए जमा करवा देता हूँ। क्या आपस में ही दोनों भाई बातें करके खुश होते रहोगे या मुझे भी बताओगे? आखिर शंकर करता क्या है? सारी दुनिया कहती है ना कि मेरे भाई के पास कोई काम धाम नहीं है, निकम्मा है। दरअसल में ये CBI का बहुत बड़ा अफसर है। अरे पूजा सुना, तेरा चाचा कौन है? हाँ दुर्लिया। क्यों चाचा? मैं तुम्हारे सारे राज छुपा कर रखती थी, रात रात भर जाकर तुम्हें खाना खिला करती थी, और तुमने अपना राज पहले मम्मी पापा को बताया, मुझे नहीं बता सकते थे। अरे मेरी नन्ही सी गुड़िया, देख भैया ने इस हाथ की खुजली तो मिटा दी, इधर की खुजली बाकी है। वो डंडा ले, मार मार के निकाल दे सब। अभी मैंने बताया ना CBI डिपार्टमेंट ऐसा है किसी को कुछ बता ही नहीं सकते। अब भाभी ने कसम दे दी तो बताना पड़ा, अब तू पूछ ले जो पूछना है सब बता दूंगा। अच्छा पहले बताइए रात भर किस चक्कर में गायब थे? अरे मैं किसी चक्कर में नहीं था, रात मैंने एक खूनी को रंगे हाथों पकड़ा। और भैया अजीब बात है, जिसका खून हुआ वो भी आपके दफ्तर का था, और जिसने खून किया वो भी आपके दफ्तर का। किसने किसका खून किया? भैया कोई तेजिंदर नाम का इंजीनियर आपके ऑफिस में है। हाँ है, उसी का कत्ल हुआ है, और कत्ल करने वाला आपका पीए दीपक मल्होत्रा है। पूजा, 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 क्या हो पूजा? आप डॉक्टर को फोन कीजिए जल्दी। तूने सबके मुंह पर राख मलती, घर की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं की तूने। मैं तुझे जान से मार डालूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोडूंगा। भैया मैं तुझे जिंदा नहीं छोडूंगा। भैया पागल हो गया हूं। ये पागलपन तो मुझे उसी दिन कर देना चाहिए था जब ये पैदा हुई थी। मैं उसे जिंदा नहीं छोडूंगा। नहीं भैया, आप आ जाइए। मुझे बाहर क्यों भेज रहा है? घर की इज्जत खाक में मिल गई तो मेरा जीना बेकार है। भैया देखो शंकर, थोड़ा सा जहर लाकर दे दे, बाहर क्या मैं इस दुनिया से ही चला जाऊंगा। मैं आपकी हालत समझता हूँ भैया, लेकिन इस वक्त गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। प्लीज आप बाहर जाइए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। भाभी भैया को लेकर बाहर जाओ, जाइए प्लीज, जाइए प्लीज। रो नहीं पूजा, देख
जो होना था सो हो गया, लेकिन अब तुम मुझे बता दे कि वो कौन है। अगर तू मुझे नहीं बताएगी ना तो मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। मैं कुछ नहीं बता सकती चाचा, कुछ नहीं बता सकती। पूजा, पूजा, क्या उसने तुम्हें धोखा दिया है? नहीं। तो क्या उसके माँ बाप ने मना कर दिया? नहीं चाचा। क्या फिर वो शादीशुदा तो नहीं? पूजा, दुनिया में ऐसी कौन सी बात है जो मुझे बताते हुए शर्म आ रही है? मुझे बता दो, मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा। बता दो पूजा, बता दो। मैं कुछ नहीं बताऊंगी चाचा, मैं जीना मरना दोनों बराबर है। मैं मर जाऊंगी चाचा, मैं जीना नहीं चाहती, मैं जीना नहीं चाहती। ए पूजा, दुनिया में एक दिन मरना सबको ही है, लेकिन जो जिंदगी से डर कर आत्महत्या करता है ना, उससे बड़ा कायर, उससे बड़ा डरपोक कोई नहीं है। और फिर दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जिसे गलती नहीं होती, जिसका पैर नहीं फिसलता? फिर मैं तुझसे ये नहीं पूछता गलती हुई कैसे, बस मुझे उसका नाम बता दे, कौन है वो। मैं उसके हाथ जोड़कर, उसके पैर पकड़कर मना लूंगा, मैं उससे तेरी शादी करवाऊंगा। ये नामुमकिन है चाचा, अब ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता। तेरे चाचा के लिए कुछ नामुमकिन नहीं। एक बार उसका नाम बता दे मुझे। चाचा, अगर मैं उसका नाम बता दूं तो तुम उसको ले आओगे? हाँ? मुझ पर भरोसा रख पूजा, मैं तेरे सर की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं उसे दुनिया के किसी कोने से भी ढूंढ निकालूंगा, उसे तेरे पास लेकर आऊंगा, तेरी उसे शादी करवाऊंगा। हाँ पूजा, उसका नाम बता दे, डरो नहीं। चाचा, तुम जानना चाहते हो ना कि मैं किसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ? हाँ पूजा,